साथियों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है सीडीपी और ईवीएस की दंगल पार्ट एपिसोड के अंदर। आपके साथ मिल रहा हूं आशीष, सीडीपी फैकल्टी, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपके ईवीएस एक्सपर्ट सोलंकी सर। सर एक क्वेश्चन बहुत देखा है मैंने सीडीपी में, पाब्लो एक आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको लेकर के सर मैंने कई सारे थ्योरी, कई सारे क्वेश्चन सीडीपी में देखे, क्या है ये, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें? बिल्कुल सर, पाब्लो साइकिल सर का प्रकाश डालने मात्र दो मिनट के अंदर सर। तो पाब्लो साहब रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे सर, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनके बारे में सर बात करें, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट सर डॉग पर करा था, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करा था। तो इन्हें बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या करा सर, एक डॉग के आगे ना इन्होंने क्या करा, डॉग के आगे जैसे उसका फूड डाल दिया, मान लीजिए उसका फूड जो भी हड्डी है, कोई भी मांस जो भी डाल दिया, तो डॉग ने क्या करा, लार टपकाना शुरू कर दिया। नेचुरल सी बात है, उसके आगे स्टिमुलस डालेंगे तो रेस्पॉन्स लार टपकाना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या करा फिर, उसके आगे घंटी बजाना शुरू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने क्या करा फिर, घंटी को उसके फूड के साथ कनेक्ट कर दिया। पहले घंटी बजा रहे थे, फिर उसका फूड दे रहे थे, फिर घंटी, फिर फूड, फिर घंटी, फिर फूड, ऐसा कई दिनों तक करा। तो ऐसा हुआ कि अब डॉग के माइंड में ये सेट हो गया कि जैसे ही घंटी बजेगी ना तो मेरा फूड आ जाएगा, और डॉग ने टपा टप 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 क्या करा, लार टपकाना शुरू कर दिया। फिर सबसे लास्ट स्टेज में इन्होंने क्या करा सर, खाली घंटी बजाई। अब डॉग के माइंड में ये तो सेट हो ही चुका था, घंटी मतलब खाना है। तो जैसे ही घंटी बजाई, डॉग उसे टप 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 लार टपकना शुरू हो गया बिना खाना दिए। यही वो प्रूफ करना चाहता था कि इसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशन, ने कंडीशनिंग कर दी डॉग के माइंड की घंटी का मतलब क्या होता है, फूड होता है। तो सर पाब्लो साहब का एक्सपेरिमेंट डॉग पर बड़ा, इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है। बहुत अच्छा सर, मुझे समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों की समझ में भी एकदम तरीके से आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सोलंकी सर, इस बार जैसे देखा कि ईवीएस के पेपर में कुछ ऐसे सवाल आए कि जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके एक से ज्यादा भाग खाए जाते हैं, किसी के जैसे फल और फूल दोनों खाए जाते हैं, तो सर इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं ना उसको ब्रीफ में बता सकते हैं सर क्या क्या है? बिल्कुल सर, देखो एक्चुअली मैं जैसे अगर बच्चों ने हमारे पुराने एपिसोड देखा हो हमारा, तो मैंने उसमें बनाना के बारे में बताया जी सर। इसके अलावा सर और भी ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनके एक से ज्यादा भाग खाए जाते हैं। जैसे हम बात करें मूली की, तो मूली की सर जड़ भी खाई जाती है और उसका पत्ते भी खाए जाते हैं। हाँ सर, पत्ते की सब्जी बन जाती थी, पत्ते की सब्जी भुजिया बनाते हैं। हाँ, भुजिया बना लेते हैं। ऐसे केला हो गया, केला का फल और फूल दोनों खाए जाते हैं सर। इसके साथ प्याज होती है सर, देखा होगा आपने, कच्ची प्याज होती है, प्याज की पत्ती भी खाई जाती है, और प्याज जो है उसका जो आपका तना होता है स्टेम, वो भी खाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा आप चना है, मेथी है, या फिर सरसों, इसके भी आप देखोगे तो बीज और पत्ते दोनों खाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सर बहुत से ऐसे हमारे प्लांट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट खाए जाते हैं। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, जैसे अगर हम बात करें मूली की, हम बात करें केला की, हम बात करें आपके चना, मेथी, सरसों, या फिर लहसुन या प्याज, ठीक है, जिनके एक से ज़्यादा हम पार्ट को खाते हैं, और इन सब पे सर एक एक नंबर का सवाल बन जाता है। बिल्कुल बनता है सर, कई बार पूछा गया है, और क्वेश्चन कई बार तो ऐसे भी आते हैं कि सर इसमें से जड़ कौन सी है, इसमें तना कौन सा है, ठीक है, इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे।